टायर बहुत ही रेयर वॉइस है, और आपने देखा है कि टायर स्पेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, नंबर भी अच्छे आए। कथुरिया जी की बातचीत सुन लेते हैं, हमने उनसे बात की थी कि फंड रेजिंग कर रहे हैं, कैपेक्स लगा रहे हैं, उनसे बातचीत कर लें फिर वापस आते हैं। आइए सुनते हैं। तो ये जो 240 करोड़ रुपए हम लेके आ रहे हैं थ्रू द सीसीडीज, इसका यूटिलाइजेशन आपको जैसे पता है कि हमारे दो एक्सपेंशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं पीसीआर के लिए, पैसेंजर कार रेडियल के लिए, और हम अपने ट्रक एंड बस रेडियल का भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं हमारे लक्सर प्लांट पे। तो कुछ हिस्सा जो है ये 240 करोड़ का, वो इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने में जाएगा। और हमारे पास कुछ और भी एक्सपेंशन प्रोग्राम्स के बारे में हमारी इवैल्यूएशन चल रही है, और इन इस 240 करोड़ का जो बाकी का जो हिस्सा है वो इन प्रोग्राम्स के लिए जाएगा। तो ये सारा 240 करोड़ जो है ये कैपेक्स प्रोग्राम्स में ही हम लगाने की सोच रहे हैं। हमारा जो क्वार्टर फोर का जो हम देख रहे हैं डिमांड, वो काफ़ी अच्छा है, रोबस्ट है। ट्रक एंड बस में खास करके काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है। पैसेंजर कार में भी OEM की तरफ से एंड रिप्लेसमेंट मार्केट में भी अच्छी डिमांड है। जो टू व्हीलर्स हैं उसमें थोड़ा सा डिमांड म्यूटेड है अभी, खास करके मोटरसाइकिल में। बट हमको लगता है कि जैसे रूरल इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी, अच्छा मॉनसून रहा है, तो हम सोचते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में टू व्हीलर की भी डिमांड बढ़नी चाहिए। बट आज के डेट में देखा जाए तो टू व्हीलर छोड़ के बाकी जो सारे सेगमेंट हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, पैसेंजर कार हैं, इवन जो फार्म सेक्टर है, वो सब में डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है। चले, तो ये तो आपने जेके टायर के मैनेजमेंट की बात सुनी। अब